हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा गौतम है और कुकिंग विथ एस जी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल आलू और गोभी की सब्जी। आप लोग देखिए सब्जी का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा है। तो आलू और गोभी की सब्जी के लिए आपको सबसे पहले गोभी को बहुत अच्छे से साफ करके इसे थोड़े से गर्म पानी में उबाल कर आपको रख लेना है। हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो इसके लिए हमें उस सब्जी को या तो डीप फ्राई करना पड़ेगा या तो सैलो फ्राई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी कैसे बनती है। तो पहले हम आलू और गोभी को सैलो फ्राई कर लेंगे। तो आलू को मैंने पहले डाला है कुछ इससे बड़े चम्मच में और ये पकने में दिक्कत करेंगे, तो आलू को इस तरीके से पका लीजिए। इसके बाद आप इसमें गोभी ऐड करें। गोभी ऐड करने के बाद आपको इसमें एक चम्मच नमक डालना है और हल्दी भी डालना है। हल्दी डालकर और नमक डालकर आप इसे अच्छे तरीके से चलाएँ और ढककर इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें। आप गोभी और आलूओं को पहले इस तरीके से पका लीजिए ताकि बाद में हम मसाला इसमें मिला सकें। तो आलू और गोभी मेरी अच्छे तरीके से हो गई है, हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें टमाटर चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, एक बड़ी इलायची चाहिए, एक छोटी इलायची चाहिए और एक लौंग चाहिए और 3 से 4 काली मिर्च चाहिए और 2 प्याज मैंने काट के रख ली। धनिया पाउडर चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और हल्दी पाउडर। और मैंने घर का बनाया मसाला रखा है, इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें सारे मसाले को एक बोल पे मिला लेंगे। आप सारे मसाले मिला लें और इसमें हल्का सा पानी डालें और इसे एक घोल सा तैयार कर लें। इस घोल को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा मसाला जलता नहीं है। तो तेल चढ़ाएं, उसमें आप जीरा डालें, राई डालें, मैंने जो सूखे मसाले निकाले थे वो डालिए और इसमें आप प्याज डाल दीजिए। प्याज को जब ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज हमारी, तब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने सब्जी में भी डाला था। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम इतना भूंजेंगे कि इसका रॉ स्मेल चली जाए और इसके बाद हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। टमाटर मिलाकर हम इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा दबा दबा के टमाटरों को पिघला लेंगे। तो ये मैसी कंडीशन में जैसे ही आ जाते हैं टमाटर हमारे, देखिए आप, ये बिल्कुल मैश से हो गए हैं। हम अपना जो घोल तैयार किया था हमने वो इसमें डाल देंगे। घोल हमारा डाल देंगे, उसके बाद हम एक अच्छे तरीके से इसे मिक्स देंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल सेपरेट ना कर दे। फ्रेंड्स, मसाले की यही खासियत ही होती है कि ऑयल सेपरेट कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और ज़्यादा पानी, आपको ग्रेवी नहीं बनानी है, बस इतनी इतनी ग्रेवी बनानी है कि हमारी सब्जी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आपको इसमें आलू और गोभी डालना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आप देखिए, आपको इस तरीके से चलाते हुए सब्जी मिक्स कर देनी है इसमें। अब इसमें थोड़ी रिचनेस देने के लिए मैं इसमें एक चम्मच क्रीम ऐड किया है। अब क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से चलाएं। इसके बाद हमने जो सूखा मसाला घर का बनाया तैयार किया था उसे छिड़के और इसे अच्छे तरीके से मिला दें। इसके बाद मैंने इसमें मसाला मिला दिया है, थोड़ा सा और लग रहा है मिलाने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा और मिलाया है मसाला। हमारी सब्जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी और डिलीशियस लग रही है। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब।